हेलो सिस्टर्स फैमिली, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक द लेजी जीनियस वे के बारे में, जिसकी ऑथर हैं केंड्रा अडाची। ये बुक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने काम करने के लिए एक आसान सा तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो अपना काम हमेशा टालते रहते हैं। एक लेजी जीनियस कैसे अपने काम को करता है और वो किस तरीके से सोचता है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेजी जीनियस के ऊपर बिल गेट्स ने भी कहा था कि कोई कठिन से कठिन काम किसी आप आलसी आदमी को दे दो, वो आलसी आदमी उस कठिन काम का एक सरल उपाय आपको बता देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट, हाउ टू थिंक लाइक अ लेजी जीनियस पर। आज की इस दुनिया में हर कोई बेस्ट बनना चाहता है, पर बेस्ट बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करनी होती, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा करने के बजाय हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इसे ऑथर की एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। केंड्रा हमेशा से परफेक्ट रही। बचपन में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बड़े होकर क्या करना है। इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करती थी, पर अपनी कड़ी मेहनत की वजह से कई बार फेल भी हुई। जैसे केंड्रा ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग प्लान करी जिसमें उसके सभी सीनियर्स आए। ये एक अच्छा मौका था अपनी रेपुटेशन बनाने का और सभी को अपनी प्लानिंग की स्किल दिखाने का। इसलिए केंड्रा ने ये डिसाइड किया कि वो नाश्ता अकेले ही बनाएगी। उन्होंने सारी चीजें अच्छी तरीके से अरेंज कर ली, पर एक अच्छा नाश्ता बनाने में फेल हो गई। केंड्रा को फ्रेंच टोस्ट बनाना था। मीटिंग वाले दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ये डिश बनानी नहीं आती। अपनी घमंड की वजह से उन्होंने रेसिपी देखने से मना कर दिया। वो सोचती थी कि वो हर चीज बेस्ट है और उन्हें लूजर की तरह रेसिपी देखने की कोई जरूरत नहीं। मीटिंग के एंड में सभी सीनियर्स ने कहा कि इससे बेकार नाश्ता अपनी लाइफ में हमने आज तक नहीं किया। केंड्रा को ये यकीन था कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें इनाम दिलाएगी, पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसके लिए केंड्रा को लेजी जीनियस की तरह सोचना था। लेजी जीनियस की तरह सोचने का मतलब है सिर्फ उतनी ही मेहनत करना जितनी सक्सेस अचीव करने के लिए जरूरी है। आपको ना ज्यादा मेहनत करनी है और ना ही कम। इससे आप किसी भी काम को उतना ही टाइम और उतनी ही मेहनत दोगे जितना उसे जरूरी है, और अपने बचे हुए टाइम और मेहनत को किसी और काम में लगा दोगे। अपने हर एक प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ देने की जरूरत नहीं, बस आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको कब खुद को रोकना है, क्योंकि ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी स्किल है। सेकंड है डिसाइड वन का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में क्या होगा इसकी हर एक छोटी डिटेल आपको एक बारे में प्लान करनी है, बल्कि डिसाइड वन किसी खास इवेंट या सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या चुनना है, इसके बारे में है। इसे आप अपने अलग अलग एरिया में अप्लाई कर सकते हो कि आपको किसी खास इवेंट में क्या पहनना है, आपको सुबह या शाम क्या खाना है, और अपने आसपास की सफाई कैसे रखनी है। आपने भी एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि किसी आदमी को कोई काम करने से ज्यादा उस काम का डिसीजन लेने में उसे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो पिछले 2 साल से कह रहा है कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है और उसमें वीडियो डालनी है। यूट्यूब चैनल शुरू करने में और उसमें पहली वीडियो डालने में ज्यादा 2 घंटे या फिर 3 घंटे का टाइम लगेगा, पर मेरे दोस्त को डिसाइड करने में वो 2 साल लग गए। और मजे की बात तो ये है कि आज भी उसका चैनल स्टार्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, डिसाइडिंग वन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको किसी भी सिचुएशन में बिना ज्यादा सोचे बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती है। पार्ट थर्ड है बिल्ड द राइट रूटीन। ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, किसी भी चीज पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाना नामुमकिन है। फिर भी कई लोगों को अपने काम को परफेक्ट करने का इतना फितूर सवार होता है कि वो भूल जाते हैं कि हर चीज पर कंट्रोल पाना मुमकिन नहीं। पर दोस्तों, हमारी लाइफ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी और अपने रूटीन में शामिल करते हो। एक रूटीन जो भी चीजें हो रही उस पर कंट्रोल करने का एहसास दिलाता है। ये आपको खुद पर और अपनी सिचुएशन पर काबू पाने के लायक बनाता है। हैबिट आपको वहां जाने की ताकत देती है जहां आप जाना चाहते हो। भले ही आपकी लाइफ पूरी तरीके से बिखरी हो या आप एक अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी रहे हो, बहुत से उथल पुथल के बाद भी एक चीज ऐसी है जिसपे आपका पूरा कंट्रोल रहता है, वो है आपके लिए गए एक्शन। ये एक्शन ही आपकी लाइफ में आए बड़े बदलाव को एक्सेप्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे ऑथर ने अपनी लाइफ में आए बड़े बदलाव के साथ जीने की कोशिश की। सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनकी लाइफ में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होना, और दूसरा बदलाव था कि उनकी माँ ने किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली। डिवोर्स हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उनकी माँ ने कुछ ही दिनों में अपना दूसरा जीवन साथी चुन लिया। और तीसरा बदलाव था उनका स्कूल छोड़ना। पेरेंट्स के अलग हो जाने की वजह से उन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा, और अपने परिवार के लिए पैसे बचाने की वजह से उन्हें घर पर ही पढ़ना पड़ा। इन तीनों बदलाव ने केंड्रा की लाइफ पे एक गहरा असर डाला, लेकिन उन्होंने एक रूटीन बनाकर इनसे डील की। जैसे हर सुबह अपने डैड को कॉल करना और हर रात को अपने परिवार के साथ डिनर करना, जिससे वो अपने डैड से जुड़ी रही और अपने न्यू डैड को भी जान सकी। केंड्रा हर रात असाइनमेंट भी करती थी और लंच टाइम के दौरान थोड़ा ब्रेक भी लेती थी। इस रूटीन ने उन्हें स्कूल वर्क में टॉप पे रहने में मदद की। इससे उन्हें ये भी महसूस होता था कि वो स्कूल जा रही है। पार्ट नंबर
4 है वी काइंड टू योर सेल्फ। दोस्तों कई बार लोग बेहतर बनने में इतना खो जाते हैं कि वो अभी जो है उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग ग्रोथ चाहते हैं, हम लगातार बेहतर बनना और अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। पर पता है ये सारे गोल हमारी उम्मीद के साथ आते हैं, हम खुद से अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम लोग खुशी नहीं रहते। आप लोग हमेशा ढूंढते रहते हो कि आप लोग फ्यूचर में क्या बन सकते हो, पर आपको क्या पता है कि इस तरह का माइंडसेट हमेशा एक नेगेटिव इमोशनल देता है। आप लोग हमेशा अपनी असली पोटेंशियल ढूंढते रहते हो और अभी जो आपके पास है उस पर कभी ध्यान नहीं देते और ना ही कभी खुश रह पाते हो, ये तो भूल ही जाते हो कि सेल्फ लव क्या होता है। इसके लिए ऑथर ने 3 चीजें बताई है। पहला कि आपको खुद को वैल्यू करने की जरूरत है। ये मत देखिए कि आप क्या बन सकते हैं, ये मत देखिए कि आप क्या थे, बल्कि ये देखिए कि आप क्या है। आज आप जैसे भी हैं वो इंसान मायने रखता है। अगर आप आज खुश नहीं है तो इसकी पूरी गारंटी है कि आप कल भी खुश नहीं होंगे। अभी आपके पास जो भी है उसका शुक्रगुजार कीजिए। और नंबर 2, एक बार जब आपने अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी को अपना लिया तो अपने फ्यूचर को देखिए कि क्या आप बेहतर वर्जन बनने पर काम कर रहे या फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बदलाव से बचा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपनी लाइफ में आने देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का इकलौता तरीका है बदलाव को अपनाना। आखिरी स्टेप है सेलिब्रेट करना। आप लोग अक्सर उस जीत को सेलिब्रेट करना भूल जाते हो जो आप हर दिन पाते हो। ये कोई बड़ी जीत भी हो सकती है या फिर छोटी जीत भी। जीत चाहे जैसी भी हो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। इस छोटे से सेलिब्रेशन से आपको और भी ज्यादा उत्साह मिलता है और एक खुशी मिलती है ताकि आप लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। तो पार्ट नंबर 5 है टालमटोल ना करें। हम लोग हमेशा टालमटोल करते हैं। आज का काम कल पर टालने की हमारी आदत बन चुकी है। हम लोग टालमटोल बहुत सी चीजों की वजह से करते हैं। कभी हमारे काम करने का मूड नहीं होता या फिर काम हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और कभी कभी तो काम हमें इतना बड़ा लगता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर इसे शुरू कहां से करें। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आपको अपने इरादों को मजबूत करना होगा, इस चंचल मन को अपने काबू में लाना होगा, क्योंकि मन कभी भी अच्छी चीजों के पीछे नहीं जाता, इसे तो बस मजे के कुछ पल चाहिए। अब देखो एक स्मार्ट सी लड़की से बात करने का मूड तो आपका हमेशा रहता है, पर अपनी कमर कसकर कड़ी मेहनत करने का मन जरा भी नहीं। मन हमेशा मेहनत से घबराता है, इसलिए अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपने मन या अपने मूड का गुलाम ना रहे, अपने मन को डिसिप्लिन करें और आपका मूड हो या फिर ना हो बस काम करना शुरू कर दे। और आप लोग एक और अच्छा काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।